सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन अ न्यू वीडियो ऑफ एमटीवी राडार अक्षत। आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमटीवी एंड अ फैट बॉय। सो जो लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हो उनको पता होगा कि भाई मैं बहुत साल तक फैट बॉय चलाया हूं। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें की हैं एंड उसके बाद मैंने शिफ्ट किया ऑन माय एक्सी बाइक। दिस इज़ अ क्रॉस कंट्री बाइक, दिस इज़ अ माउंटेन बाइक। सो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया एंड क्या क्या चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, क्या क्या चेंजेस मैंने फेस किया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइकिलिंग रिलेटेड कंटेंट्स के लिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। लाइक हम रखते हैं ओनली 250 लाइक्स का। एंड ये वाला वीडियो भाई बहुत दिन से रिक्वेस्ट किया हुआ था बट मैं अभी जाके बना रहा हूँ क्योंकि आई कैन सी द मेजर डिफरेंस जो आपको दिखता है एक फैट बाइक और एमटीवी में। बहुत सारे लोग नहीं बताते, बहुत सारे लोग बस स्पेसिफिकेशंस पढ़ देते हैं तो लाइक वो बस कहते हैं, लेकिन मैं आपको ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ एंड दिस इज़ द जेन्युइन एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंडिंग तक देखना, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फैट बाइक परचेज करनी चाहिए या फिर एक एमटीवी परचेज करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। एंड अब हम लोग शुरू करते हैं ये वाली वीडियो को। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं लुक्स की। तो लुक्स में तो भाई आप अनडाउटेबली आप वोल्टेक्स की तरफ जा सकते हो। दिस इज द फैट बाइक। फैट बाइक की तरफ आप इजिली अट्रैक्ट हो जाओगे बिकॉज ऑफ द बिगर टायर्स, द बोल्डनेस ऑफ द बाइक। वेयर एज इन एमटीवी जो है आपका पतले टायर्स के साथ आता है तो बहुत कॉमन है, बहुत सारी बाइक्स में पतले टायर्स आते हैं तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट नहीं होते। बट स्टिल लुक्स में अगर हम लोग बात करें तो मेरे को तो भाई रॉक रेडर पसंद है, लेकिन वोल्टेक्स का हमारा जो है फैट बाइक का लुक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है। एंड जो जैगवार वाला फैट बाइक होता है वो तो अच्छा लगता है, वो जेन्युइनली बहुत प्यारा लगता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं यार, लुक्स वुक्स तो हो गया हमारा, एडवांटेजेस की बात करते हैं। फैट बाइक में एडवांटेज क्या है? फैट बाइक में सिर्फ एक एडवांटेज जो मेजर एडवांटेज है जो कि मैंने भाई पर्सनली फेस किया है, अगर आपको सिर्फ सिटी में राइड करना है एंड आपका कोई भी ऐसा मतलब बहुत सारे फ्लाईओवर्स नहीं या फिर कोई इंक्लिनेशन नहीं है फ्लैट रोड से, देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ फैट बाइक बिकॉज ऑफ द हैवी वेट। ये जो फैट बाइक है ना, अगर आप इसमें पेडल करते हो, इसके बाद पेडल को लाइक छोड़ देते हो, बहुत देर तक रोल होता है भाई, बहुत देर तक फैट बाइक रोल होता है। एंड इसमें ना अगर आप एकदम प्लेन रोड है, एक बार आप पेडल लाइक ज़्यादा फोर्स लगा के कर दो, उसके बाद आप इसे छोड़ दो, उसका थोड़ा थोड़ा पेडल करो, भाई बहुत स्मूथ चलता है फैट बाइक में, जनरली बता रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर एमटीवी में हम लोग बात करें तो भाई बार बार पेडल करना पड़ता है एंड बाइक लाइट वेट होने के कारण काफ़ी सारा एयर ड्रैग जब लगता है तो बाइक स्लो होते रहता है। अगर आपको सिटी के लिए लेना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ फैट बाइक। सिटी के लिए कहाँ, जहाँ पर ज़्यादा फ्लाईओवर्स नहीं हो। हाँ, इसमें फ्लाईओवर्स में ऊपर चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दम लगता है टू बी ऑनेस्ट। यूजुअली जो फैट बाइक्स आती है ना उसके अंदर ये स्टील फ्रेम आता है, तो ये जो फ्रेम होता है ना काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। बट जो हमारी रॉक राइडर है एंड यूजुअली जो सारे एमटीवीज होते हैं उसके अंदर एलॉय फ्रेम आता है, तो एलॉय फ्रेम काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। उसके बाद अगर हम लोग आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर आप फैट बाइक परचेज करते हो ना तो आपको सिर्फ ये फ्री व्हील का ऑप्शन मिलता है मोस्ट ऑफ द फैट बाइक्स में। इग्नोर करना भाई, हमारा फैट बाइक अभी बहुत गंदा है क्योंकि मैं इसे चलाता नहीं हूँ, इससे ही आपको पता चल रहा हो कि भाई एमटीवी में बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। तो अगर आप जब भी परचेस करते हो ना देन आपको इसमें फ्री व्हील का ऑप्शन मिलता है। बट वेयर एज अगर आप एमटीवी परचेस करते हो तो उसमें आपको ईजिली कैसेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड इसके हब्स जो होते हैं बहुत अच्छे हब्स होते हैं। मेरी फैट बाइक में आपको 3x9 का सेटअप देखने के मिल जाएगा। वैसे ये 9 स्पीड का डिटेलियर है, 3x7 का सेटअप आपको देखने के मिलेगा। ये शिमानो का है एंड एवरीथिंग इज ऑफ शिमानो एक्सेप्ट फॉर द रियर डिटेलियर। वहीं अगर हम लोग बात करें अपनी एमटीबी की तो इसमें हम लोग को मिलता है श्रैम का ग्रुप सेट जो कि ये है, आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर को मिलता है 1x ड्राइव ट्रेन। 1x ड्राइव ट्रेन का फ़ायदा क्या होता है? पहली बात, आगे का जो चेनरिंग नहीं होता, आगे का डिरेलियर नहीं होता, आगे का शिफ्टर नहीं होता, तो बाइसिकल काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है। एंड इसने बड़े कैसेट का फ़ायदा क्या होता है, दिस इज़ 12 स्पीड ड्राइव ट्रेन, वो 21 स्पीड है, दिस इज़ 12 स्पीड, बट इसके अंदर का जो रेशियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड ये वाला ड्राइव ट्रेन ज़्यादा रिलायबल होता है अगर आप ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करते हो तब। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको श्रैम के गियर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्रेक्स की तो हमारी एमटीवी में आपको यहाँ पे श्रैम के लेवल टी के हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने में मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
बट वहीं अगर हम लोग बात करें मेरी, तो यहाँ पे भाई आप लोग को सिंपल शिमानो वाले जो ब्रेक्स आते हैं ये मिलते हैं। एंड ये भाई इनका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बेकार भी होता है। अगर आप इसे अच्छे से मेंटेन करते हो बहुत अच्छा काम करेगा, वहीं अगर आप ऐसे ही इसे छोड़ दोगे तो ख़राब होने लगता है। इस मामले में भी भाई हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बात करें सस्पेंशन की, तो मेरी फैट बाइक में कोई सस्पेंशन नहीं है। बीच में मैंने लगाया था बट वो सस्पेंशन टूट गया था, क्योंकि इंडिया में ना भाई फैट बाइक के जो पार्ट्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। तो मैंने लिया था एंड वो टूट गया था, अब उसका क्या ही कहना। बट वहीं अगर हम लोग बात करें अपने MTB की, तो MTB में हमें मिलता है ये 120 mm का रॉकशॉक्स का एयर फॉर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे एयर लिखा है, यहाँ अंदर से एयर जाता है। तो ये जो फॉर्क होता है ना भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फॉर्क होता है एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे ऑफ रोड करने में। बट वहीं अगर हम लोग फैट बाइक की बात करें, लोग कहते हैं कि भाई ऑफ रोड का किंग है फैट बाइक, बट ऐसा नहीं है भाई, MTB आर वे मोर बेटर दैन फैट बाइक। एंड सबसे मेजर एंड सबसे बड़ी चीज़ जो फैट बाइक को मैं पर्सनली कहता हूँ कि भाई बहुत बेकार है, द वेट भाई इस फैट बाइक का इज़ अराउंड 22 kgs, वेयर एज मेरी MTB का वेट इज़ ओनली 12 to 13 kgs। 10 kgs का डिफरेंस भाई बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऊपर से उसमें फ़ीचर्स कम है, उसमें से इसमें फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा है। कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि अगर आपको सिटी के लिए राइड करना है, एंड सिटी में ही आपको राइड करना है, ज़्यादा फ्लाईओवर्स वगैरह नहीं है, देन ऑब्वियसली यू शुड चूज़ फैट बाइक। वो आपके बजट फ्रेंडली भी रहेगा एंड ज़्यादा बेटर आपको लुक्स भी देगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो, आपको कॉम्पिटिटिव करना है या फिर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ रोडिंग करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सट्रीम करने के लिए भाई आपको फैट बाइक लेना पड़ेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। ये सब झूठ है कि आपको फैट बाइक लोगे तभी आप अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाओगे। तब कि भाई अगर आप फैट बाइक लोगे ना, देर आर मोर चांसेस कि बहुत बेकार आपका एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मेरा भी भाई रहा है, मैंने किया है फैट बाइक से ऑफ रोड। उसके बाद जब मैंने MTB शिफ्ट किया तो मेरे को पता चला कि वॉट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन MTB एंड फैट बाइक। सो अगर आपको अच्छी तरीके से ऑफ रोडिंग करना है एंड आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ गुड क्वालिटी MTB। अदरवाइज अगर आपको बजट फ्रेंडली रहना है, देन यू कैन, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, यू कैन गो फॉर अ फैट बाइक। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वॉल्टेक्स ड्यून 1, जो कि मेरे को अराउंड 15 to 18,000 रुपीज़ का पड़ा था। अच्छा फैट बाइक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट यस जब से मैंने MTB यूज़ किया है तब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरी MTB। एंड अगर आप भी चेंज करना होगे, अगर आप फैट बाइक यूज़ कर चुके हो एंड उसके बाद MTB पे शिफ्ट कर चुके हो, उसके बाद ये वाली वीडियो देख रहे हो, देन आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड जिन्हें अगर परचेस करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार MTB की तरफ भी देख के ज़रूर जाना। एंड उसके बाद तो बहुत सारी बाइक्स आती हैं लाइक हाइब्रिड एंड रोड बाइक, बट अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ MTB। सो दिस वॉज इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड एंड राइड सेफ। बाय बाय।